नहीं, अभी अभी जस्ट दिल्ली से आ रहे हैं। बहन देखने की बात ही कुछ कहा जा सकता है। अब दिल्ली और श्रीनगर घूमकर आए हैं और अभी जो है मोदी जी का जो है अंतिम बजट हुआ, इस पर अगर कुछ पूछना चाहिए बजट पे ही बोल दीजिए। देखिए मोदी जी का ये दूसरा आप कहा जाएगा कि इस टर्म का आखिरी बजट, और ये बजट घोषणा से भरा हुआ, और इसके पहले भी हम लोग उनका बजट देखे हैं। अगर कई चीज़ को अगर हम देखते हैं, लुहाने वाले बजट पिछले साल भी उन्होंने किया था, जो वादा गरीबों के बीच में किया था वो पूरा नहीं हुआ। जैसे हम प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपको कह सकते हैं जो आधा भी नहीं हो, 80 लाख की जगह 38 लाख हो पाया। जनधन योजना का अगर हम लें वो भी आपको देखने मिलेगा, उन्होंने कहा था कि जितना ट्रेन वो कोविड काल में जो बंद हो गया था करीब 400, उसको नए रूप से फिर चालू करेंगे, वो 8 कर पाए। और इस बार का जो बजट आया है लोगों को लगा सुहाना है, लेकिन आप बताइए कि बेरोजगारी और महंगाई इस पर क्या फोकस है? जीरो फोकस है। दूसरी चीज़ आज देखा जाए, आज शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं, शिक्षा का बजट में माइनस हुआ है, हेल्थ का बजट पर माइनस हुआ है। ये सारी चीज़ों देखने के बाद ये कहा जा सकता है, चाहे लोग को लग रहा है जो मिडिल क्लास है या जो नौकरी करते हैं, वो सिर्फ भ्रामक बजट ही बनाए हैं। इसलिए इस बजट में नया कुछ नहीं है, और मैं इस बजट का आखिरी बजट हम इसलिए बोले कि इस बार बजट में जो कुछ लाने का काम है कि आने वाले समय कुछ जो चुनाव होगा उसको देखते हुए, लेकिन कुछ बातों को तो ज़रूर हम कहेंगे कि कुछ बार क्या समाज को लुभाने का भी काम किया है, लेकिन अंतर्गत जो हम लोग चुनावी बजट है, ये चुनावी बजट है, लेकिन ये बजट से यहाँ के लोगों को जो आज एक महिला बजट में किसको क्या फ़ायदा मिला वो देखने नहीं जाता है, वो सोचते हैं कि हमारा पॉकेट से कितना पैसा गया। वो बजट जो महंगाई उस पर कोई फोकस नहीं, जो बेरोजगार है उसके पास कोई फोकस नहीं। बजट से यह बजट छूटा है। देखिए बजट तो जो है भ्रामक बजट है और आश्वासन के पुलिंदा है। जो कहते थे पहले ना, जब मेरी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और हर को 15-15 लाख देंगे, वही वाला बजट है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।